जय माता दी। मित्रों मित्रों, हमारे भारत के अंतर्गत जितने भी त्योहार सेलिब्रेट होते हैं, मनाए जाते हैं, ये विशेषतः इन त्योहारों के अंतर्गत जो भी परंपराएं चली आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं हम सभी के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहती हैं। वो कहीं ना कहीं ज्योतिष, उसमें ज्योतिष का विशेष योगदान या विशेष सम्मेलन आप देख सकते हैं, साइंटिफिक देख सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण होती है वो परंपराएं, जिनको हो सकता है उसके पीछे का कारण हमें ना पता हो, लेकिन कहीं ना कहीं वे हमारे लिए लाभकारी अवश्य सिद्ध होती है, क्योंकि हमारे पूर्वज बहुत ज्यादा ज्ञानी थे और उन्होंने ये पूरा सिस्टम हम सभी के लाभ के लिए इस तरीके से बनाया है कि किसी को कारण भी ना पता हो, अगर वो बिना कारण जाने भी अगर वो कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका भी भला होता रहेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीपावली पर्व पर। आपने देखा होगा कि जो है आप मिट्टी की कुल्हड़ या कुल्लो या मिट्टी की जो हांडी, एक छोटी सी जो होती है, उसको आप लेते हैं और उसमें हील उसको डाल देते हैं। ये विशेषतः हम सभी इसी प्रकार से करते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि जो मिट्टी की कुल्हड़ होती है उसको, वो मंगल है, और यहां पर आपने जो चंद्रमा जो खील है उसको उसमें डाल दिया है। तो विशेषतः ज्योतिष आधार पर चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग का भी निर्माण होता है, और यहां पर अगर हम देखें तो चंद्रमा मन होता है और उसको मंगल मतलब कहीं ना कहीं मन को ग्राउंडेड किया जाता है। और इसको हम साइंटिफिकली भी देखें तो कहीं ना कहीं जब आपका मन ग्राउंडेड रहेगा, आप कहीं ना कहीं आपकी जो सोच रही, मतलब आप अपने मन को इस तरीके से ग्राउंड रखेंगे, सभी का भला करते हुए, भला सोचते हुए आप जब अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, उन्नति की ओर जाएंगे, तो विशेष तो ये आपके लिए भी और आपके आसपास के सभी लोगों के लिए भी, या जो लोग ग्राउंडेड भी हैं, जो लोग बहुत ज्यादा सरल हैं, या जो बहुत ज्यादा लोग कह सकते हैं कि निचले स्तर के लोग भी हैं, आप सभी के साथ एक मन को अपने जोड़कर आप अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, तो विशेषतः सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध रहता है। और जब आप इस सोच के साथ आप आगे बढ़ते हो, आपके काम भी पूरे होंगे, और ये कहीं ना कहीं ये लक्ष्मी योग बनता है जो आपके मन की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला रहता है, क्योंकि चंद्रमा मन है और मंगल वो पराक्रम आपके मन को मिल जाता है कि जो आप करना चाहते थे वो आप कर पाते हैं। और जब आप जो एक प्लानिंग, आपने एक अच्छी प्लानिंग तैयार करी है, उसको अगर वो पूर्ण हो जाए, पूरी हो जाए, तो कहीं ना कहीं मन की वो इच्छा भी पूरी होगी और उसके परिणाम स्वरूप आपको फलित, आपको लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो जिसके कारण वो लक्ष्मी योग कि आपको आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, जो आप चाहते हो वो आप प्राप्त कर पाओगे। तो उस दृष्टि से यहाँ पर ये एक सिंबॉलिक तरीके से कह लीजिए कि ये एक निर्माण होता है, और ये त्योहार की जो परंपरा होती है ये कहीं ना कहीं हमारे लाभ के लिए विशेषतः बनाई रहती है, जिसका कारण हो सकता है हमको ना मालूम हो, लेकिन हम ऐसा करते आए हैं। अब इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, तो व्यक्ति वो जो मिट्टी की कुल्हड़ की जगह अभी स्टील के लिए आता है। तो स्टील क्या होता है, ये शनि होता है, और जब आप उसमें चंद्रमा को जोड़ रहे हो तो वहां पे शनि चंद्र का विष योग बन रहा है। अब यहां पर कहीं ना कहीं वहां पर मन में दुख का बार भाव, मानसिक अशांति को जन्म दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ये लक्ष्मी योग की जगह ये विष दोष का निर्माण कर रहा है। तो ऐसा करने से बचिए, और आप वही पुराना जो मिट्टी की होती है उसी में अगर आप डालकर करेंगे तो ये क्या होगा, ये लक्ष्मी योग का निर्माण होगा, उसको बनाइए। विष दोष को बनाने से आपको बचना चाहिए। तो यहाँ स्टील की जो कुल्हड़ आती है उसका इस्तेमाल ना करके आपको मिट्टी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, वो आपके लिए विशेषतः लाभप्रद रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब शनि के प्रभाव में आप अपने चंद्रमा को, मन को जोड़ेंगे, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये भी कोई विष दोष का निर्माण अगर आप करते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, क्योंकि ये अशांति लाता है, तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत गहरा सोचने के लिए, बहुत ज्यादा डीप रिसर्च में जो लोग हैं उन लोगों के लिए फिर ये अच्छा कह सकते हैं, ये उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है उन लोगों को बचना चाहिए, खासकर जो परंपरा जिस हिसाब से वहां पर चल रही है, वो कहीं ना कहीं उस समय के अंतर्गत अगर आप वही कॉम्बिनेशन निर्माण करते हैं तो वो आपके लिए विशेष लाभप्रद है, हर दृष्टि से अगर हम देखा जाए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि विष दोष बनाने से बचिए, लक्ष्मी योग का निर्माण करिए। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।